हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि UPSC+CGE 2018 को लेकर हम कुछ छोटे छोटे वीडियोस आपको मोटिवेट करने के लिए और आप एक बेस्ट स्ट्रेटजी को बताने के लिए बना रहे हैं, उसी कड़ी में एक ये तीसरी वीडियो है, बेस्ट प्लान एंड स्ट्रेटजी फॉर UPSC+CGE 2018। सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन कोर्स से शुरू करते हैं। चुनौतियों से मत डरो, आप खुद एक चुनौती हैं। खुद पर विश्वास रखें, जीत अगले मोड़ पर खड़ी है। कहने का मतलब है कि लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल गाइस आएगी, आपको चुनौतियों से नहीं डरना है, आप खुद एक चुनौती हैं। खुद पर विश्वास रखें, जीत अगले मोड़ पर खड़ी है। 30 जनवरी आपका टारगेट होना चाहिए, और उसी के लिए हम ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आपकी एक थोड़ा मोटू मिल जाएगा कि बेस्ट प्लान और स्ट्रेटजी हम क्या रखें UPSC+CGE 2018 के एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये जानते होंगे कि टोटल आपका 1000 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें से आपका 600 मार्क का जो आएगा आपका टेक्निकल आने वाला है, ठीक। आपका 400 मार्क्स के आपके जो हैं नॉनटेक आपका आने वाला है। टेक्निकल भी आपको पढ़ना है, नॉन टेक्निकल भी आपको पढ़ना है। टेक्निकल आपका 150 क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन एक क्वेश्चन फोन नंबर का रहेगा, तो 15 चौके 60, 600 मार्क्स के आपके टेक्निकल रहेंगे। 400 मार्क्स के अंदर आपके 400 मार्क में 100 मार्क जो आपका रहेगा हिंदी प्लस इंग्लिश का रहेगा। उसके बाद 300 मार्क जो आपका रहेगा वो रीजनिंग प्लस कंप्यूटर प्लस GK GS और आपका करंट अफेयर का रहने वाला है गाइज। तो ये आपका एक ओवरऑल, मतलब आपको ये प्लान रखना है कि हमको 600 नंबर टेक्निकल, मतलब 600 नंबर के टेक्निकल और 400 नॉन टेक पे काम करना, किस किस सब्जेक्ट पे काम करना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो प्लान क्या रहना चाहिए और स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए बचे हुए दिन में आपका, अगर आज से देखें, आज है 27 दिसंबर 12 2021। गाइस अगर आज से हम देखें तो आज से 27/12 अगर बात करें तो इस वीक में 6 दिन हैं आपके, मतलब 27/12 से लेकर के 27, 28, 29, 30, 31 और 1, मतलब 3, 3, 6 आपका 2 तारीख को क्या है, संडे है। तो आपको एक देखिए, आपको मतलब वीकली टू वीकली आपका प्लान बना लीजिए। तो 27 मतलब 6 दिन आपके काम करने हैं, और संडे को आप क्या करना है, आपको संडे को आपको अपना मॉक टेस्ट वगैरह देना है, क्विज वगैरह देनी है, और आप जो पढ़ रहे हैं कि आप सही चीज़ तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप फुल लेंथ हाफ टेस्ट लगा सकते हैं। तो आप इस तरह 27, 28, 29, 30, 31, 1 आपका 6 दिन का प्लान होना चाहिए गाइस, वीकली का प्लान होना चाहिए। हमको वीकली में टेक्निकल कितनी देर पढ़ना है, आपको नॉन टेक कितनी देर पढ़ना है, देन आफ्टर संडे को आपको एक मॉक लगा लेना है, नॉन टेक का भी टेक का, कि हाँ क्या हम आप तैयारी जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो 1 को अगर संडे है, उसके बाद 6 दिन का प्लान फिर आप बना लीजिए, ठीक है। और 8 जनवरी, हाँ 1, 7, 8, हाँ 8 जनवरी, मतलब ऐसे ही, मतलब हर एक वीक को कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप जो है काम करिए। कहने का मतलब अगर 27 को मंडे है, 28, 29, 30, 31 और 1, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 तारीख को आपको क्या है, सैटरडे है, और 2 को आपको क्या है, संडे है। तो आप 6 दिन लगातार काम करिए, और संडे को आकर के क्या करिए, एक मॉक लगाइए टेक का और एक लगाइए नॉन टेक का, आप उसकी अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं। बाकी फिर अगले 6 दिन, 2 तारीख को संडे हो गया आपका, फिर उसके बाद जो है 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 9 तारीख को, ठीक है, आपको 9 तारीख को फिर आपको मॉक लगाना है,
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब अपने आप को वीकली वीकली में आपको डिवाइड करके आपको काम करना है गाइस। आप देखेंगे आप एक अच्छी प्रिपरेशन आप अपनी बूस्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन को इस तरह आप अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और आपको पढ़ना क्या क्या है इन सब में, जैसे कि आपको शेड्यूल आपको बता दें, शेड्यूल कैसे क्या रहना है आपका। सपोज अगर आप 5 बजे उठते हैं, 5 AM पर अगर आप उठ जाते हैं, 5 AM पर आप उठ जाते हैं, तो आप 6 AM से अपना शेड्यूल बना लीजिए। 6 AM टू 12 हमको 6 घंटा मॉर्निंग का इधर पढ़ना है। आप इस 6 घंटे में आप देखेंगे आपके पास टेक्निकल पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है, प्लस अगर स्टार्टिंग अगर 1 घंटा आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग का ये 6 से 12 का एक शेड्यूल आप निकाल सकते हैं, इस टाइम आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद 12 से 1 या 2 आप अपना जो भी खाना पीना या और कुछ काम करना आप उस कर सकते हैं। फिर आपका सेकंड शेड्यूल बना लीजिए 2 से 4, अगर आप 2-2 घंटा करके पढ़ना चाहते हैं, फिर 15 मिनट का गैप कर दीजिए। फिर 4:15 से लेकर के ऐसे 5:15 तक ऐसे शेड्यूल बना लीजिए। मतलब कहने का मतलब है, फिर आपका शेड्यूल बना बना के अपना जो है टाइम देखे आप पढ़ सकते हैं। देखिए हम कुछ शेड्यूल आपका बनाए हुए हैं, अगर आपको आपको फॉलो इसको नहीं करना है, आपको ये बताने के लिए वीडियो बनाए हुए हैं कि ताकि आप कुछ अपने तरफ से दिमाग लगा के अपना कुछ टाइम किस तरह बना सकते हैं, उस तरह आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये देख लीजिए, स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट 24-hour plan। कम से कम इस समय आपको 14 से 15 घंटे आप पढ़ाई का टाइम निकाल सकते हैं। 5 से 6 घंटे अगर आप सोते हैं तब भी इतना टाइम आपके पास बचता है गाइज। और 3 से 4 घंटा आपका खाना पीना दैनिक कार्य के अंदर निकालना है। मॉर्निंग शेड्यूल आपका कैसे रहना चाहिए, मॉर्निंग शेड्यूल आप देख लीजिए 5 से 12 ये आपका टाइम है, 9 घंटे आप पढ़ाई अपना दे सकते हैं। अगर आप टेक्निकल स्टडी की थ्योरी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिक्स प्रैक्टिस आपका कर सकते हैं, आप मॉर्निंग के टाइम अपना टाइम अच्छे खासा शेड्यूल यहाँ से इस तरह बना सकते हैं। फिर आपको वाइज आफ्टरनून शेड्यूल में, आफ्टरनून शेड्यूल में आपको 2 से 4 का टाइम है, आप उसमें नॉन टेक पढ़ सकते हैं, GK GS पढ़ना है, करंट पढ़ना है आपको, ये भी चीज़ पढ़नी है। उसके बाद गाइज आप करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर है, हिंदी आपको पढ़नी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। फिर आपको 15 मिनट ब्रेक करके फिर आपको 4:15, 6:15, 6 तक आप इस तरह जो है टाइम अपना बना करके आप अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं गाइज। अगर आपको कोई दिक्कत है पर्सनल, अगर आप कुछ नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि हम कैसे अपनी पढ़ाई करें। और कुछ हमारे तरफ से जानकारी ये रहनी चाहिए, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं 1 ईयर का, जैसे कि एग्ज़ाम जो अभी हाल में हुआ था उसमें देखा गया कि जनवरी से लेकर के उसमें करंट अफेयर थे, तो ये एडुटेरिया की एक बुक है जिसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट तो आई हैं, लेकिन जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 20 पूरा 1 ईयर का क्या इसके अंदर करंट अफेयर है, ये आपकी नई बुक अभी आई हुई है। और इसमें जनवरी 2021 से लेकर के पूरा इसके अंदर करंट अफेयर, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने करंट अफेयर को गाइज बूस्ट कर सकते हैं। थोड़ा और हम बता दें आपको गाइज कि देखिए आपको करंट अफेयर में पहली बात, करंट अफेयर आपको 1 साल का पढ़ना है, आप किसी बुक से 1 साल करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। GK GS में आप देखेंगे कि इस बार UP GK क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा था गाइज। तो आप GK GS के लिए एक कोई किसी यूट्यूब चैनल से मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिक्स प्रैक्टिस मतलब कोई भी मिक्स प्रैक्टिस आप एक लगा सकते हैं, तो वहाँ से आपका GK GS बूस्ट होता जाएगा। और आपको स्टैटिक GK भी अगर पढ़ना है तो कोई एक मिक्स प्रैक्टिस GK GS कर सकते हैं, तो वहाँ से आपका ये नहीं है कि आपको भाई इतना वक्त नहीं है कि आप पॉलिटी के लिए अलग से क्लास ले रहे हैं, हिस्ट्री के लिए अलग से क्लास लेने लग गए हैं, इकोनॉमिक्स के लिए अलग से क्लास लेने लग गए हैं, तो ये आपके बेवकूफ़ी है। आपको इतने कम समय में 30 डेज अगर देखें तो 35 डेज आपके पास बचा हुआ है, इसे आपको रिविज़न भी करना है। अगर कुछ लोग नए हैं उनको पढ़ना भी है, तो मिक्स प्रैक्टिस पे आप फोकस करिए। और कंप्यूटर में इसी है, कंप्यूटर के जो सिलेबस है, जैसे कंप्यूटर में आप कंप्यूटर के बेसिक जो इसके सिलेबस में दिया था, कंप्यूटर बेसिक पढ़ना है, फिर उसके बाद नेटवर्किंग पढ़ना है, फिर MS Office लिखा था, MS Office में आपका वर्ड भी आएगा, मतलब आपके तीनों उसमें आ जाएंगे, एक्सेल पावर पॉइंट जो होते हैं आपके सब इसमें MS Office में पढ़ना है, पेरिफेरल डिवाइस करके आपको उसको पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपको गाइस इसके अंदर पढ़ना है। और बाकी जो मेरी इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने सब बता रखा है, कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में इसमें क्या पढ़ना रखा है, आपको सारी जानकारी उसमें दी गई है। तो ये शेड्यूल था। और हाँ, आप सभी लोग जानते होंगे कि एवर एग्ज़ाम एक यूट्यूब चैनल आपका जो है उसके ऊपर जो है ऑल सिविल इंजीनियरिंग फार्मूला विथ ऑल कंसेप्ट। अगर किसी को लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है और हमारे पास कोई नोट्स भी नहीं है और हम कैसे अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, हम कैसे क्या पढ़ें, तो आप यहाँ सर से, आप यहाँ एवर एग्ज़ाम से जो है 99 के क्रैश कोर्स में गाइज आप पूरा
जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भाई हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं तो आप यूट्यूब पे जाएंगे गाइस, यूट्यूब पे आप जाएंगे गाइस तो आपको एक ये आपको एक सिबिल 101 करके चैनल मिलेगा, सिबिल 101 यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा। आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके पास, अगर आप यूट्यूब से पढ़ कर भी अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं गाइस, आप प्लेलिस्ट में जब इसमें जाएंगे तो आपको हर सब्जेक्ट के मतलब आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, वो भी जैसे कि सर्वे हैं 4 से 5 वीडियो है, तो आप यहाँ से पढ़कर भी अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप क्रैश कोर्स ही कहीं से लें, लेकिन आपके पास अगर आपको लगता है कि हम कम समय में अगर पढ़ना चाहते हैं तो 99 का कोर्स है गाइस, आप इसको लेकर के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ये फिर एग्ज़ाम आप जानते होंगे, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ी सी मेरे पास जानकारी थी कि UPSC JEE का एग्ज़ाम थोड़ा स्ट्रेटजी था, थोड़ा प्लान था कि कैसे क्या करना है, कौन सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, टाइमिंग कैसे क्या रखनी है। तो गाइस बहुत ही कम समय में है, अपने प्लान को बना लीजिए और जो है लगातार निरंतर फोकस अपने गोल पर रखिए। 30 जनवरी आपका फोकस होना चाहिए, 30 जनवरी 2022, उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं। बेस्ट विशेष माई साइड UPSC JEE स्पैरेंट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।